सब्सक्राइब कीजिए स्मार्ट हेमंत फॉर यू चैनल को और दबाइए इस घंटे को ताकि आपको मिल सके हमारा लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले। हेलो फ्रेंड्स, दिस इज हेमंत कुमार और आप देख रहे हैं स्मार्ट हेमंत फॉर यू। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि अगर आपको अपने डेबिट कार्ड का एक्सिस बैंक के डेबिट कार्ड का पिन आपको चेंज करना है तो आप किस तरह से अपने मोबाइल से चेंज कर सकते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कि पिन चेंज करने के लिए हमको ATM मशीन पर जाना होता है और वहाँ से हम अपना पिन चेंज कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर आप मोबाइल एप्लीकेशन से भी यहाँ पर अपना पिन चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो इस वीडियो के नीचे आपको लाइक का बटन दिख रहा होगा उस पर आप क्लिक कर दीजिएगा और यहाँ पर आपको सब्सक्राइब बटन दिख रहा है उस पर क्लिक करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिएगा, जिससे कि आपको सभी वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए मैं यहाँ पर एक्सिस बैंक मोबाइल एप्लीकेशन को ओपन कर लेता हूँ। अगर आपका एक्सिस बैंक में आपका अकाउंट खुला हुआ है तो इसका मोबाइल एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लीजिएगा, आपको प्ले स्टोर पर मिल जाएगा। तो इसके एप्लीकेशन में आपको सारे फीचर्स मिल जाते हैं जो कि हम अपने अकाउंट से रिगार्डिंग यूज करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लॉगिन पर मैं क्लिक कर देता हूँ। लॉगिन पर क्लिक करूंगा तो यहाँ पर अपना एम पिन फिल कर देता हूँ। एम पिन मैंने यहाँ पर फिल कर दिया है। यहाँ पर मैं बताऊंगा कि आप यहाँ पर मोबाइल एप्लीकेशन से अपना जो ATM कार्ड का पिन कैसे रिसेट कर सकते हैं। ठीक है, आपको क्या करना है, थोड़ा सा नीचे जाना है। यहाँ पर सर्विसेज पर, सर्विसेज का ऑप्शन यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है। सर्विसेज को आप यहाँ पर देखेंगे तो इसको स्क्रॉल कीजिएगा, फिर यहाँ पर आपको डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड दोनों ऑप्शन यहाँ पर मिल जाते हैं, डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड का। ठीक है, तो हमको डेबिट कार्ड पर क्लिक कर देना है। इसी तरह से जैसा कि मैं आपको डेबिट कार्ड का बताऊंगा, सेम प्रोसेस आपका क्रेडिट कार्ड का, तो क्रेडिट कार्ड को भी आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर पहला जो ऑप्शन मिल जाता है वो आपका सेट और रिसेट पिन का मिल जाता है, तो इस पर मैं क्लिक कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर मैंने क्लिक किया। अब यहाँ पर आपको कार्ड सेलेक्ट करना है। ठीक है, जैसे कि मेरे पास तो एक ही कार्ड है तो एक कार्ड आ गया, लेकिन अगर आपके एक से ज़्यादा कार्ड होंगे तो वहाँ पर आपको ड्रॉप डाउन करके सेलेक्ट कर लेना है कि किस कार्ड का आपको पिन सेट या रिसेट करना है। तो सेट पिन पर हम लोग क्लिक कर देते हैं सबसे नीचे, फिर यहाँ पर लिखा हुआ प्लीज़ एंटर 4-डिजिट पिन। ठीक है, तो यहाँ पर हम अपना 4-डिजिट का पिन यहाँ पर फिल कर देंगे जो हमको बनाना है। ठीक है, जो हमारा अभी है वो उसको नहीं फिल करना है, जो हमारा फ्यूचर में बनाना है, जो हम सेट करना चाहते हैं उसको आप यहाँ पर फिल कर दीजिएगा। तो मैं यहाँ पर अपना पिन फिल कर देता हूँ। फिर यहाँ पर लिखा हुआ रीएंटर, तो रीएंटर कर दीजिएगा। यहाँ पर मैंने पिन फिल कर दिया और यहाँ पर नीचे सबसे नीचे कंटिन्यू का ऑप्शन दिया, तो इस पर कंटिन्यू पर हम लोग क्लिक कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर प्लीज एंटर योर एम पिन, तो आपका जो मोबाइल एप्लीकेशन का एम पिन है उसको फिल कर दीजिएगा। तो मैं फिल कर देता हूँ, देखिए मैंने यहाँ पर अपना एम पिन फिल कर दिया है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर लिखा है सक्सेस, द पिन ऑफ योर डेबिट कार्ड हैज बीन सेट सक्सेसफुली। तो हमारा जो डेबिट कार्ड का जो पिन है वो सेट हो चुका है, जो हमने नया वाला फिल किया है वो फिल हो गया है। ठीक है, तो अब यहाँ पर ये आप पिन को मोबाइल एप्लीकेशन से ही रीसेट कर सकते हैं, आपको ATM कार्ड पर जाने की जरूरत नहीं है ATM मशीन पर। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया, अगर आपको वीडियो पसंद आए प्लीज़ लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, यहाँ पर आपको डेली कुछ नया सीखने को मिलता है और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिएगा, जिससे कि आपको सभी वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू।